नमस्कार, वैदिक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नेखा। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि भगवान शिव के 6 संतानें हैं। जी हाँ, लेकिन हम और आप जानते हैं कि भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम है गणेश और कार्तिक। इसके अलावा भगवान शिव की 3 पुत्रियां और 1 पुत्र भी है। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भगवान गणेश और भगवान कार्तिक के अलावा भगवान शिव के 3रे पुत्र का नाम है भगवान अयप्पा, और दक्षिण भारत में इनको पूरी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। वहीं अगर शिव भगवान की पुत्रियों की बात करें तो इनके नाम है अशोक सुंदरी, ज्योति और देवी वासुकी या फिर मनसा। ये तीनों बहनें अपने भाइयों की तरह बहुत चर्चित तो नहीं हुई, लेकिन देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा श्रद्धा भाव से होती है। इनमें से शिव जी की 3री पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सौतेली बेटी कहा जाता है। मान्यता तो ये है कि कार्तिक की तरह ही पार्वती ने वासुकी को भी जन्म नहीं दिया था। अब जानते हैं इन तीनों पुत्रियों के बारे में। अशोक सुंदरी। भगवान शिव की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद रूपवती थी, इसलिए उनके नाम में सुंदरी आया। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए पैदा हुई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब बालक गणेश का सर काटा था तो वो डर के मारे नमक के बोरे में छिप गई थी। इसी वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। ज्योति। शिवजी के 2री पुत्री का नाम ज्योति है। उनके जन्म से 2 कथाएं जुड़ी हैं। पहली कथा की माने तो ज्योति का जन्म शिवजी के पेट से हुआ था, तो दूसरी कथा कहती है कि ज्योति का जन्म पार्वती जी के माथे से निकलने वाले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम है ज्वालामुखी, और तमिलनाडु के कई मंदिरों में इनकी पूजा की जाती है। मनसा। बंगाल की लोक कथाओं की माने तो सर्प दंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। एक कथा के अनुसार मनसा देवी का जन्म तब हुआ था जब शिव जी का वीर क्रदु, जिन्हें सांपों की माता कहा जाता है, उनकी प्रतिमा को छू गया था, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। यानी मनसा देवी का जन्म भी कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। ये बात भी कही जाती है कि मनसा का एक नाम वासुकी भी है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा और तस्वीर के की जाती है। इनकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर उनकी पूजा की जाती है। खासतौर पर चिकन पॉक्स या फिर सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनकी विधिवत पूजा भी की जाती है। हालांकि शिवजी की पुत्रियों के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इनका पुराणों में काफी उल्लेख मिलता है। तो आपको भगवान शिव की बेटियों के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके पास और भी कई जानकारियां हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।